सासाराम जिले की महालक्ष्मी नगर में हरितालिका तीज को लेकर सभी सुहागिन महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं सुबह से ही पूजा की तैयारी एवं व्रत त्योहार में लगी हुई हैं। अपने पति की लंबी उम्र दीर्घायु होने की कामना को लेकर सुहागिन महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। आस्था यह है कि शिव पार्वती के इस पूजन मात्र से ही सुहागिनों को सफल दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। हर विवाहिता महिलाएं इस तीज व्रत को करती हैं। सासाराम में भी पूरी श्रद्धा भाव से यह तीज का पर्व मनाया जा रहा है। विद्वान पुजारियों द्वारा तीज व्रत की कथा सुनाई जा रही है। बता दें कि 24 घंटे के इस निर्जला व्रत के प्रति महिलाओं में आस्था है। जिस तरह से भगवान शिव तथा उनकी अर्धांगिनी पार्वती का दाम्पत्य जीवन था, वैसा ही दाम्पत्य जीवन हर विवाहित महिला चाहती है। मान्यता यह भी है कि अगर कुमारी कन्या इस व्रत को करती है तो मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। तब शिव जी बोलते हैं, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम में मजबूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारत वर्ष में से कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहते हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजा बतलाइए जो सदर्भों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी मेहनत भी कम करना पड़े लेकिन फल भी मिल सके। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो तीज व्रत जो है ऐसा व्रत है जो सौभाग्य को देता है, जिसमें शिव और पार्वती की पूजा होती है। स्त्रियाँ जो है अपने सौभाग्य के लिए, उसे सौभाग्य के लिए, अच्छा के लिए और सुखी संपन्नता के लिए प्रार्थना करती है। और वह जो तीज की पूजा है वहाँ सभी लोग इसको स्त्रियाँ जो है बैठकर सुनती है। हालांकि ये पूजा तो है बहुत महान पूजा है, जिससे सारे सुख आपको प्राप्त होते हैं, अन धन जलपन से परिपूर्ण होते हैं। आप जो स्त्रियाँ पूजा करती हैं सौभाग्यवती रहती हैं, जन्मों जन्मांतर तक वो सौभाग्यवती रहती हैं जो स्त्रियाँ पूजा करती हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना है, न सोचना है।